आज बनाएंगे डच बेबीज। इंग्रेडिएंट्स में टेंशन मत लीजिए, कोई बेबीज की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, टुडेज रेसिपी इज अ डच बेबी, अ डच पैनकेक्स। क्या है क्या ये रेसिपी? एक्चुअली मैंने कभी बनाया नहीं था, बट आई बीन लुकिंग एट दिस ट्रेंड गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड वेयर दे आर मेकिंग दिस पैनकेक बट एंड टॉपिंग इट अप विद लाइक डिफरेंट टॉपिक्स, लाइक स्मोक सैल्मन बोल दीजिए, यू नो, पूरी ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट सर्व कर देते हैं इसके अंदर। सो दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एट मेकिंग डच पैनकेक्स एंड एक फैंटास्टिक रेसिपी है। यस, दिस हैज एग्स एंड इट कैन नॉट बी मेड विदाउट एग्स बिकॉज दैट राइजिंग सूफले इफेक्ट कम्स बिकॉज ऑफ द एग्स। तो आई अपोलोजाइज इफ यू कैन नॉट हैव इट, जस्ट मेक रेगुलर पैनकेक्स टूडे एंड थिंक यू आर हैविंग लाइक डच विदाउट द बेबीज। अब हाँ, इस रेसिपी में मैंने यूज किया है ये पैन, ये मेरा कास्ट आयरन पैन है, बट यू कैन यूज एनी पैन दैट इज मेटल या आयरन का बना हुआ। जस्ट रिमेंबर कि प्लास्टिक का हैंडल अगर होगा सो डोंट पुट दैट इन द ओवन। इनफैक्ट ये पैन की जो हैंडल थी इसे भी मैंने सिलो फॉइल से ऐसे रैप करके फिर ओवन में डाला था। सो रिमेंबर दैट प्लास्टिक का हैंडल ट्राई एंड अवॉइड, इफ यू कैन टेक और अनस्क्रू इट एंड देन पुट इट इन द ओवन, दैट विल वर्क। तो नाम से आप समझ ही गए होंगे कि रेसिपी की जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम डच या हॉलैंड या नेदरलैंड्स, व्हिचएवर कंट्री दे डिसाइड इट शुड बी कॉल्ड एज। लेकिन इसकी जो वर्जन्स है दे आर मेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक जर्मनी हैज अ वर्जन ऑफ दिस, अमेरिका हैज अ वर्जन ऑफ दिस, एंड इफेक्ट जो है सेम है, इट जस्ट पफ्स अप, यू टॉप इट विद समथिंग्स एंड यू ईट इट। चलिए और टाइम बर्बाद नहीं करते, लेट्स मेक दिस रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। चलिए गाइस, बहुत छोटी रेसिपी है। बोल में तोड़ते हैं अंडे, अब अंडे का शेल अगर अंदर गिर गया है तो शेल से ही आप शेल बाहर निकाल दीजिए, बहुत इजी हैक है या ट्रिक है। नेक्स्ट सारे अंडे तोड़ दीजिए बोल के अंदर एंड इसके बाद डालेंगे सम लिक्विड गोल्ड इनटू दिस व्हिच इज सम मेल्टेड बटर, मेल्टेड बटर जस्ट पोर इट ओवर दोज एग्स। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यू कैन जस्ट यूज रेगुलर सॉल्ट एज वेल। इसके बाद हम डालेंगे इसमें दूध, सो वी नीड टू ऐड 1 कप ऑफ फ्रेश मिल्क इनटू दिस, जस्ट पोर इट इनटू द बोल। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज सम रिफाइंड फ्लावर, तो 1 कप रिफाइंड फ्लावर गोज इनटू दिस एंड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट मिक्स इट सो इट्स कंबाइंड नाइसली, अच्छे से स्मूथ होना चाहिए बैटर एंड वंस दैट्स रेडी बस इसे निकाल दीजिए। तो ये मेरा आयरन का पैन है, अब इसमें डालूंगा 1 चम्मच बटर एंड जस्ट मेक श्योर दैट आई स्प्रेड दैट बटर ऑल अक्रॉस दैट सर्फेस। वंस इट्स बबलिंग लाइक दिस जस्ट पोर योर बैटर ओवर इट and immediately this goes to bake in your preheated oven. While that is baking, make sure you get all the toppings and everything else ready. So I've got all my fruits here which I'm going to cut and keep ready. I'm going to make sure the icing sugar is ready. Just look at that monster grow. It looks fantastic, doesn't it? And as soon as it's out, it will start deflating, guys. And bas isme aap sare toppings dal dijiye, aapke fruits dal dijiye, in some of those lemon slices, just dust it with that icing sugar. And that is your recipe, guys. Bas ek slice kaat lijiye aur eat the entire thing, it doesn't matter. Serve it on a plate. You want to serve it with some vanilla ice cream or some fresh cream, that will work as well. That slow-mo looks so good. बस आज संडे है तो ब्रंच मान के इसे बनाइए और खाइए, ट्रस्ट मी यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन मेकिंग दिस रेसिपी एंड ऑल आई नीड टू से नाउ इज हैप्पी ईटिंग गाइस। सो दैट वाज द रेसिपी फॉर द डच पैनकेक्स या डच बेबीज गाइस। देखा कितना इजी रेसिपी है, एनीवन कैन मेक दिस, जस्ट कीप इन माइंड व्हाट आई सेड अबाउट दिस पैन, डोंट पुट अ पैन विद अ प्लास्टिक हैंडल इनटू योर ओवन और योर तंदूर। तो अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं, टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड टैग मी इन दोस पिक्चर्स, आई विल मेक श्योर आई शेयर इट ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स एंड नथिंग एल्स गाइस। कहीं भी देख रहे हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब, शो मी दैट लव एंड सपोर्ट एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अनदर रेसिपी। टिल देन बाय बाय।